हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, यानी उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, इसकी रीडिंग होगी। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, तो जितना करता है प्लीज़ आप उतना ही रखिए। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने पर्सन के नज़रों में कैसे इंसान हैं, प्लीज़ स्पिरिट बताएं कि वो अपने पर्सन के नज़रों में कैसे इंसान हैं। द हर्मिट, डेथ है, मैजिशियन एंड सेवन ऑफ वैंस। King of Wands, Page of Bottom of the deck है Eight of Cups। तो आप अपने पर्सन के नज़रों में कैसे इंसान हैं? तो आप अपने पर्सन के नज़रों में बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, यानी कि आपके जैसा विजडम, आपके जैसा ओल्ड सोल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आपको वो बहुत ओल्ड सोल के रूप में देखते हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस देखते हैं, विजडम से फुल देखते हैं, यानी कि बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। जो भी लाइफ के डिसीज़न लेते हैं कहीं ना कहीं आप जो है सही उसमें ठहरते हैं, यानी कि लाइफ के डिसीज़न लेने में आप अच्छे मास्टरी हासिल किए हुए इंसान हो सकते हैं। क्योंकि आपको इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और आपको अकेले रहना यानी सोल सर्चिंग करना पसंद हो सकता है, अकेले में टाइम स्पेंड करना, खुद की हीलिंग करना आपको पसंद हो सकता है। तो बहुत विजडम से भरे हुए इंसान हो सकते हैं, दूसरे को रास्ता दिखाने वाले इंसान हो सकते हैं। तो जब भी वो आपको देखते हैं वो आपको एक वाइज इंसान के जैसा, एक गाइडेंस देने वाला पर्सनालिटी के जैसा देखते हैं, यानी कि जो आप दूसरे को जो भी आप गाइडेंस देंगे वो अपने लाइफ में ग्रो करेगा। आप एक मेंटर के जैसा वो आपको देखते हैं, यानी आपको एक गुरु के जैसा देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, यानी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है। सिचुएशन या कोई भी इंसान आपके लाइफ में जैसा भी आया है या सिचुएशन जैसा भी आपने फेस किया है उसमें आपने बहुत कुछ लर्निंग की है, यानी लाइफ के लेसन आपने बहुत सीखे हैं और उसी के वजह से आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। यानी लाइफ में बहुत सारे लेसन आपने सीखे, यानी कि आपकी सोल ओल्ड सोल तो है ही, एक्सपीरियंस सोल है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं आप उन्हें छोड़कर आगे भी निकलते हैं। आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना जानते हैं, यानी कि आप लाइफ में उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव हो सकता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देते हैं। आप लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं लो फील कराते हैं या फिर आपकी एनर्जी को मिसयूज़ करते हैं, तो आप वहाँ हेल्दी बाउंड्री बनाना अच्छे से जानते हैं। लाइफ में हमेशा खुश रहना आप जानते हैं, आपके पास सारे, आप में एक मैजिशियन की एनर्जी हो सकती है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हैं उनके सारे रिसोर्सेस आपके पास है, यानी आपके पास इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर दूसरे को देने के लिए हो। आप लाइफ में सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं क्योंकि आपके पास लग्जरियस लाइफ भी हो सकती है, आप लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी स्टेबल हो सकते हैं, यानी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी स्टेबल हो सकते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल आप हैं ही, लॉजिकल हैं, जो लाइफ में डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं प्लानिंग और स्ट्रेटजिक बना कर लेते हैं और वहाँ आप सही ठहरते भी हैं। बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, जिस फील्ड में भी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं लाइफ में
इजी वे में अचीव करते हैं। तो आपके पास सारे रिसोर्सेस है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप एक अच्छे, आपकी ऑरा जो है मैनिफेस्टर वाली है या कहे मैजिकल आपकी ऑरा है, जो भी लोग आपकी तरफ आते हैं आपके ही हो जाते हैं, यानी आपके ही बन जाते हैं, आपका जादू जो है उन पर चल ही जाता है। आपको वो बहुत पैशनेट इंसान देखते हैं, रोमांटिक वे में भी देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड गोल अचीवर हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आप फीमेल हैं तो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में जो भी कुछ चाहते हैं इजी वे में एक्शन ओरिएंटेड इंसान होने के वजह से इजी वे में अचीव करते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजिक जो होती है वो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे पे होती है, और कहीं ना कहीं इसी के वजह से आप लाइफ में सक्सेस करते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं। आपको वो एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिससे हर एक की दुनिया जो है कंप्लीट होती है, यानी कि आप जिस भी जगह जाएं उनकी दुनिया कहीं ना कहीं कंप्लीट आप करते हैं। आप अपने पर्सन के भी लाइफ में कहीं ना कहीं कंप्लीशन के एनर्जी में है, यानी कि उन्हें आप कंप्लीट करते हैं, हर एक वे में कंप्लीट करते हैं, चाहे वो रोमांटिक वे में हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट के वे में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल वे में हो, चाहे वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो स्टेबिलिटी है यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस वे में हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो उस वे में, हर एक वे में कहीं ना कहीं आप उनकी दुनिया को कंप्लीट करते हैं, आप उन्हें हर एक वे में फुलफिल करते हैं। आप थोड़े से चाइल्डिस्ट हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, यानी आप में बचपना है, आप में इनोसेंट है, आप में कभी कभी आप थोड़े से घाई गड़बड़ी भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपकी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनाती है, और आपको थोड़ा सा वो समझते हैं कि आप जो है घाई गड़बड़ी करते हैं अपनों के लिए, घाई गड़बड़ी करते हैं अपने डिज़ायर के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, कहीं ना कहीं आप जो हैं थोड़े से स्पॉन्टेनियस और इम्पल्सिव हो जाते हैं लाइफ में। आपको बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इंसान देखते हैं कि आप कोई भी काम ऐसे नहीं करते हो, आप कोई भी काम सोच समझ कर ही करते हो, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है आप उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ते हो, उन्हें होल्ड करके टाइटली पकड़ के आप नहीं रखते हो, चाहे वो सिचुएशन हो या फिर कोई इंसान हो। आपको वो स्टार के जैसा देखते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें हीलिंग भरी हुई है, यानी कि आपकी ऑरा जो है हीलिंग वाली है, जो अपने इन्वायरमेंट को तो हील करता ही है, अपने आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं आप उन्हें भी हीलिंग पहुंचाते हैं, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से आप उन्हें हील करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे हील होते हैं, हर एक वे में होते हैं, कभी भी मेंटल स्ट्रेस हो तो भी वो आपकी एनर्जी में हील फील करते हैं, इमोशनल लॉस हो तो भी वो आपको आपके कंपनी में वो हील फील करते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें बैलेंस करते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें स्टेबल करते हैं, प्रोटेक्शन वो आपसे फील करते हैं, सिक्योरिटी वो आपसे फील करते हैं, बहुत स्टेबल करते हैं, इसीलिए वो आपको एक स्टार के जैसा देखते हैं, जिसे पाना सबके बस की बात नहीं है, जिसके लाइफ में हो कहीं ना कहीं वो बहुत लकी पर्सन होता है, आपको अपना गुड चार्म मानते हैं, आपको अपना बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन वो फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि आप जो हो सकता है कि आप डिवाइन सोल हो, ऐसा वो फील करते हैं, एक स्टार सीड हो ऐसा वो फील करते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, उन्हें ये फील भी होता है कि आप दोनों का एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है,
चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन की बात हो या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट की बात हो, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल वो फील करते हैं, इसीलिए वो बहुत होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक, यानी उनके चेहरे पर वो हैप्पीनेस हमेशा बनी रहती है। आपको एक स्टेबल, हर एक वे में स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, हर एक वे में आप कहीं ना कहीं उन्हें स्टेबल करते हो। फाइव ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर से लॉस वाली भी यानी लो एनर्जी में भी हो तो भी आप दूसरे को दिखाते नहीं, यानी ऊपर से आप सख्त हो सकते हैं, ऊपर से आप दूसरे को पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर, बॉसी नेचर एंड थोड़े से रूडी या फिर डोमिनेटिव ऐसे दूसरे को दिखाते हो, लेकिन आप इमोशनली रूप से कहीं ना कहीं अगर आप लो फीलिंग में हो तो सामने वाला पहचान नहीं सकता है आपको कि आप लो फीलिंग में हो, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा होता है जो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में अपने काम, अपने गोल और हर एक वे में आप फोकस होते हो, कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति फोकस होते हो, अपने और चीज़ों पर फोकस होते हो, और इमोशनली आप जो है अगर लो में हो तो दूसरे को तो कम से कम पता नहीं होता। आपके पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी वो आपसे कनेक्शन वो फील करते हैं इंट्यूटिवली, 5D लेवल पे वो आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी जो है अपने इमोशन को शेयर नहीं करते हैं, बहुत हार्ड हैं, यानी ऊपर से सख्त दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, सेंसिटिव हैं, इंट्यूटिव हैं, एंड आपकी इंट्यूशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इंट्यूशन जो है आपको सही गाइडेंस देती है, सही डायरेक्शन देती है, चाहे लाइफ के कितने भी चैलेंजेस हो आप अच्छे से डील करते हैं, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है लाइफ में, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और उनके लिए आपके पास विल पावर भी है, क्योंकि सक्सेस आपके हाथ में है, सक्सेस के बिना आप ये कह सकते हैं सक्सेस आपकी झोली में इसलिए है क्योंकि आपका डेडिकेशन है, अपने चैलेंजेस पर फोकस होने के वजह से आप उन चैलेंजेस को अच्छे से डील करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं, तो इसके वजह से वो आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखते हैं। आपका विल पावर बहुत, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, भले ही अंदर से लॉस में भी हो, लेकिन कोई भी इंसान आपको देख के ये नहीं कह सकता है कि आप अंदर से लो वाइब्रेशन में भी कभी कभी हो जाते हो। लोग आपको लकी चार्म के रूप में देखते हैं एंड आपके पर्सन भी आपको एक लकी चार्म के जैसा देखते हैं, एक फेटेड कनेक्शन के जैसा देखते हैं, एक डिस्टाइंड पार्टनर के जैसा देखते हैं, आपको वो अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, इस गुड फॉर्च्यून को वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो इस गुड फॉर्च्यून को यानी आपको वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, डिस्टाइंड पार्टनर के रूप में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों एक जन्मों के साथी नहीं कितने जन्मों के साथी, और इस बात को आपके पर्सन मानते हैं, उन्हें रिकग्नाइजेशन है कि आप जो है एक ओल्ड सोल हो, आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत जन्मों का है और आप अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को अच्छे से डील करके भी आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, यानी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो। तो ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान मानते हैं, तो आपको बहुत इनोसेंट, स्टेबल एंड स्ट्रांग मानते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, नर्चरिंग केयरिंग तो आप हैं ही क्योंकि यहाँ वाटर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव भी हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकती हैं, एंड आपका नेचर जो है बहुत नॉरिशमेंट से भरा हुआ है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, काइंडनेस नेचर आपका हो सकता है। तो प्लेजर है तो वो आपके हर एक गुण को प्लेजर करना चाहते हैं, हर एक टैलेंट को प्लेजर करना चाहते हैं, आप में बहुत, आप प्योर इंसान हो, प्योरिटी से भरा हुआ आपका सोल है, तो वो आपको
पाना चाहते हैं, आप प्योरी तरीके से उनके नज़रों में प्योर इंसान हो, आप बहुत वाइज हो, विस्डम से भरे हुए इंसान हो उनके नज़रों में, आप क्रिएशन फुल इंसान हो यानी क्रिएटिव इंसान हो, टैलेंटेड इंसान हो, और आप अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, चेंज से गुजरे हैं, और अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया भी है, बहुत पेशेंसफुल इंसान हो, लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस आपने हासिल किए हैं उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल और एक्सपीरियंस पर्सन बन गए हो, यानी आप अपने लाइफ में बहुत पेशेंसफुल इंसान हो। डिवाइन मस्कुलाइन है तो आप अपनी एनर्जी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाले इंसान हो सकते हो, और अगर आप वर्किंग हैं तो पूरी तरह से मस्कुलाइन एंड प्रैक्टिकल वे में आप सोचती हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान हो सकते हैं, तो वो आपको डिवाइन मस्कुलाइन के जैसा भी देखते हैं, यानी आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिकल वे में सर्व करती है, इस प्रैक्टिकल वे में जो है एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में प्रेडिक्ट करती है। तो यहाँ प्लेजर है तो वो आपके सारे टैलेंट आपके सारे गुण को प्लेजर करना चाहते हैं, आप उनके नज़रों में गॉडेस या फिर गॉड के जैसे हो, जो सबके बस के बात नहीं होती है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को क्रिएटिव बनाना, अपनी एनर्जी को पेशेंसफुल बनाना, अपनी एनर्जी को हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना, अपनी एनर्जी को मैजिकल बनाना, अपनी एनर्जी को विस्डमफुल बनाना, अपनी एनर्जी को इनलाइट करना, अपनी एनर्जी को प्योर करना, आप में वो सारे गुण हैं जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं और प्लेजर करना चाहते हैं आपके हर एक टैलेंट को। तो बहुत विश्रम से भरा हुआ इंसान आपको वो मानते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड आपको वो मानते हैं, एंड आपको स्टार के जैसा देखते हैं, एंड ऐसा लगता है उन्हें कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, होपफुल हो, पेशेंसफुल हो, एंड कहीं ना कहीं वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत कंपैशनेट आपको देखते हैं, एक एंजल्स के जैसा देखते हैं, एंड आपको एक फ्लेक्सिबल इंसान के जैसा देखते हैं, एंड आपको एक ब्यूटिफुल प्योर सोल के जैसा देखते हैं जो बहुत यूनिक है, विस्डम से भरा हुआ एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, जो लोगों का अट्रैक्शन का केंद्र होता है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं मुझे डोनेट करना तो आप जिस तरह से लाइक के बटन होते हैं उसी तरह से सुपर थैंक्स के बटन होते हैं, आप वहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूट्यूब पे, जिससे आपकी कंट्रीब्यूशन से मुझे थोड़ी जो मैं स्ट्रीट डॉग के लिए या फिर जो होमलेस पीपल हैं उसके लिए जो मैं वर्क करती हूँ उसमें आपकी भी हेल्प हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प करना या इन जो होमलेस पीपल हैं या फिर जो स्ट्रीट डॉग है, बर्ड्स है, इन्वायरमेंटल, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।